अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कार्टून कैरेक्टर की बॉडी कैसे बनाते हैं। तो कार्टून कैरेक्टर की बॉडी बनाने के लिए आपको एक एक स्टेप को बहुत ध्यान से फॉलो करने पड़ेगा। तो चलें अब बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कार्टून कैरेक्टर की बॉडी जो है वो आइबिस पेंट के अंदर बनाएगी, तो हम अपनी आइबिस पेंट के अंदर जाते हैं। यहाँ से गैलरी में जाके अपना कैरेक्टर जो है वो ऐड कर लेते हैं। यहाँ से जो है वो मैंने अपना कैरेक्टर ऐड कर लिया है। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं क्योंकि हमने सिर्फ इसकी बॉडी बनानी है, तो इसको कर लेते हैं सेव। अब जो है इस कैरेक्टर को जो है वो हम डुप्लीकेट कर लेंगे। डुप्लीकेट करने के बाद इसको जो है वो हम थोड़ा सा छोटा करके साइड पर रख लेंगे ताकि हम इसे देख देख के जो है इसके कलर्स बना सकें। अब एक नई लेयर ऐड करते हैं। इसमें जो हमारी ओरिजिनल पिक की लेयर है ना, इस लेयर को सिलेक्ट किया है, इसकी ओपेसिटी को हमने थोड़ा सा कम कर लिया ताकि जो हम नया करेक्टर बना रहे हैं ना, करेक्टर की बॉडी पार्ट्स, उसको बनाने में जो है वो हमें थोड़ी सी आसानी होगी। जो है वो हमने ब्रश सेलेक्ट किया है, यहाँ से हमने जो हाथ का निशान बनाया है ना, इधर जाके हमने कर्व टूल जो है उसको सेलेक्ट कर लिया। अब इसकी पहले मेन बॉडी पार्ट बनाएंगे हम, तो बीच वाली बॉडी इसकी बना लेते हैं। अब जो है वो हम इस करेक्टर में कलर भरेंगे, तो कलर सेलेक्ट करके बकेट टूल से जो है वो हम इसमें कलर भर रहे हैं। ये शर्ट हमारी बन गई है। अब जो है इसकी थोड़ी सी शीटिंग करेंगे हम।
अब जो है एक नई लेयर सेलेक्ट करेंगे और इसका जो हम बाजू बना रहे हैं ना वो एक नई लेयर में बनाएंगे। तो कलर सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर वही हैंड टूल में जाके जो है वो हम कर्व टूल जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको बाजू बनाते हैं।
अब जो है हमने एक नई लेयर सेलेक्ट कर लेनी है, इसमें नई लेयर सेलेक्ट करके जो है वो इसका अब हम दोनों हाथ बनाएंगे, एक हाथ अलग लेयर में बनाएंगे और दूसरा हैंड जो है वो इसका अलग लेयर। यहाँ पे जो है ये हमारा राइट हैंड जो है वो ड्रॉ हो चुका है, अब इसमें कलर जो है वो हम बाद में भर लेंगे, पहले हम लेफ्ट हैंड ड्रॉ कर लेते हैं। अब जो है वो हमने यहाँ पे दूसरी लेयर सेलेक्ट कर ली है, अब जो है दूसरा हाथ बना लेंगे। यहाँ पे हमारे दोनों बाजू जो है वो ड्रॉ हो चुके थे, तो अब जो है वो हमने एक लेयर सेलेक्ट की है, पहले हम राइट हैंड जो है उसमें कलर भर देते हैं, फिर जो है दूसरी लेयर जो हमने लेफ्ट हैंड के लिए बनाया, फिर हम लेफ्ट हैंड जो है वो ड्रॉ कर देंगे। अब जो दोनों हाथ हैं वो हमारे तैयार हो गए हैं, तो अब जो है वो हम इसमें थोड़ी थोड़ी शेडिंग कर देंगे साइड्स पे। हमारी एल्बो जो थी वो कंप्लीट हो गई है, अब जो है हैंड रह गए हैं, तो हम इसको पहले हैंड बना लेते हैं। दोनों हैंड जो हैं वो हम अलग अलग लेयर में ड्रॉ करेंगे। हमारी जो है हाफ बॉडी कंप्लीट हो चुकी है, अब जो है इसकी लेग्स रह गई हैं, तो अब हम इसकी लेग्स बनाते हैं। तो यहाँ पर जो है वो इसके हैंड ड्रॉ हो चुके हैं, अब जो है इसके हैंड में जो है वो हम कलर भरेंगे। अब जो इसकी बॉडी है वो कंप्लीट हो चुकी है, अब इसके लेग्स रह गए हैं, तो अब इसके लेग्स जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं।
यहाँ पे जो है मैंने पहले हाफ़ लेंथ ड्रॉ की है, हाफ़ जो है वो बाद में करनी है, ताकि जब हम जब अपना करेक्टर चलाते हैं ना, तो इसमें जो है वो फिर हमें आसानी हो जाती है, करेक्टर जो है वो इजीली वर्क करता है। तो इस वीडियो में जो है वो हमने करेक्टर बनाना बता रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम इसको वर्क करना बताएंगे। तो वो वाली वीडियो भी आप मिस मत कीजिएगा, ज़रूर देखिएगा, और ये सारे स्टेप ध्यान से फॉलो कीजिएगा। ऊपर वाला लेग भी कंप्लीट होगी हमारी, और नीचे वाली भी कंप्लीट होगी। हमने हर पार्ट जो है वो अलग अलग लेयर में बनाए हैं। इस वीडियो को मैंने थोड़ा सा स्पीड में कर दिया, ताकि जो है वीडियो थोड़ी लंबी ना हो, और जल्दी जो है वो करेक्टर भी बन जाए, और आप लोगों को ज़्यादा बोर भी ना हो वीडियो देख के। अब जो है सिर्फ हमारे जो है वो शूज़ रह गए हैं, तो अब जो है वो हम शूज़ भी इसके बना लेते हैं। शूज़ भी हम दोनों अलग अलग लेयर में ही बनाएंगे।
तो यहाँ पर जो है वो हमारा करेक्टर जो है वो कम्प्लीट हो चुका है। अब इन सारी लेयर्स को जो है वो हम एक एक करके सेव एज अ ट्रांसपेरेंट इमेज में सेव कर लेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो जो है वो ईजी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो में हमने करेक्टर को बनाना बताया है, नेक्स्ट वीडियो में हम करेक्टर को चलाना बताएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो भी जो है वो आप स्किप मत कीजिएगा, वो लास्ट ही देखिएगा।